हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू और मटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, क्योंकि इसे हमने आज बिना लहसुन प्याज और टमाटर के बनाया है। हाँ गाइस, आज हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ केवल कुछ ही चीज़ों से ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनने वाली है ना कि आप यकीन भी नहीं करेंगे। बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी हम ज़्यादातर फास्ट के लिए बनाते हैं। अगर आपको भी फास्ट में ऐसी टेस्टी सब्ज़ी बनानी है तो मैं जो स्टेप बोल रही हूँ उनको ज़रूर फॉलो करना। इसके लिए मैंने 2-3 आलू कट कर लिए हैं, 5 हरी मिर्ची कट कर लिए मैंने, और फ्रेश जो है मटर लिए हैं। मसालों के लिए मैंने लिए हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सिर्फ नमक। बस ये 4 चीज़ें लिए हैं गाइस। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें जो रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम बहुत ही एक ज़रूरी स्टेप है जो कर लेते हैं, चलिए इसे करते हैं। गाइस, इस सब्ज़ी के ना अमेजिंग बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है कि मसालों में ना हम जो है अब क्या ऐड करने वाले हैं, पानी। बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपको और इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से मिला लेना है इन सारे मसालों को। इससे ये सब्ज़ी ना अच्छी बनेगी। सिर्फ अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे ना तो सच में आपकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनेगी। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है, देखिए एकदम से पेस्ट सा बन गया है। ऐसा ही पेस्ट आपको भी बनाना है। इसके लिए आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस आधा कप के करीब या इससे भी कम पानी आपको डालना है। देखिए, अब मैंने इससे सारे मसालों को अच्छे से मिला लिया है। यहाँ पे हमारा रिफाइंड ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच जीरा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपकी बहुत अच्छी बनेगी। वैसे लोग कहते हैं कि बिना लहसुन प्याज के जो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो आपकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। हमारा जीरा जो है तड़क चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी ये कटकी हुई हरी मिर्ची। देखिए, हमारी हरी मिर्ची भी इसमें जो जा चुकी है। हरी मिर्ची डालते वक्त आपको अपना हाथ थोड़ा पीछे रखना है, क्योंकि हरी मिर्ची जो है इसके छींटे एकदम से ऊपर उठते हैं तो आपके हाथ को भी लग सकती है, इसीलिए थोड़ा दूर करके ही डालिएगा। देखिए, हरी मिर्ची भी थोड़ी सी पक चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। हमने जो ये पेस्ट तैयार किया है ना, बस यही इसमें डालना है। अब इस तरह से बनाएंगे ना आपकी सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, बस इसी तरह से आपको बनानी है। गैस का जो फ्लेम है वो लो कर दीजिए। बस ऐसे बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी बनेगी। मैं इस मसालों में थोड़ा सा पानी और जो कि कटोरी से चिपक गए थे ना उसके लिए डाला है। ये देखिए, अब आपको इन मसालों को ना थोड़ी देर के लिए जो है पका लेना है, उसके बाद हम इसमें सब्जियां डालेंगे। देखिए, हमारे मसाले कितने अच्छे से पक रहे हैं। हमें इन्हें थोड़ी देर के लिए और पकाना है ताकि जो मसाले हैं उनका कच्चापन दूर हो जाए। देखिए, ये सब्ज़ी ना इससे सच में बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आप ऐसे ही बनाएंगे ना तो आपकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, कुछ लोग आलू मटर के लिए कितनी मेहनत करते हैं, प्यूरी वगैरह तैयार करते हैं प्याज टमाटर की, लेकिन हमने ना कुछ भी तैयार नहीं किया है, सिर्फ इन मसालों से ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनने वाली है ना कि यकीन भी नहीं होगा। देखिए, ये मसाले ना मतलब कुछ गाढ़ा होने लगता है, जो पानी जो है इसका जल जाता है ना तो ये मसाले अपने आप ही गाढ़े होने लगते हैं। तो बस इसी स्टेज पर हमें ना हमारी ये जो मटर हमने छील के रखी है फ्रेश मटर, ये हमें इसमें डाल देनी है। मटर हमने डाल दिए इसमें, अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से। देखिए, हमने डाले हैं इसमें आलू। सारी सब्जियां जा चुकी हैं, बस इसको अच्छे से जो है मिला लेना है। अगर आप ऐसे ही बनाएंगे ना तो सच में आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी फास्ट के लिए। व्रत वाले दिन ना यही सब्ज़ी, ऐसे ही अगर आप सब्ज़ियाँ बनाएंगे ना तो सच में सबको पता ही नहीं लगेगा कि आपने इसमें लहसुन प्याज कुछ डाला है कि नहीं, क्योंकि इसका टेस्ट ना सच में बहुत अलग और बहुत अच्छा आने वाला है। मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है।